हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यम्मी डिलाइट्स फॉर फूडीज। मेरी क्रिसमस टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आप सबसे एक हेल्दी वाली फ्रूट केक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैदा, बटर और चीनी कुछ भी यूज नहीं होगा। आज जो मैं केक बनाऊंगी वो आटा से बनाऊंगी और चीनी मैं बिल्कुल यूज नहीं करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं सारे ड्राई फ्रूट्स को थोड़ी देर के लिए, तकरीबन एक घंटे के लिए, ऑरेंज के जूस में सोक करके रख दूंगी। तो मैंने बड़े से बाउल में हाफ कप ऑरेंज का जूस ले लिया है और अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करूंगी। मैंने यहाँ पर फ्रेश ऑरेंज का जूस लिया है। फिर मैंने 2 टेबलस्पून किशमिश, 2 टेबलस्पून चेरी ऐड करने के बाद 2 टेबलस्पून बादाम और 2 टेबलस्पून काजू। बादाम और काजू ऐड करने के बाद 2 टेबलस्पून टूटी फ्रूटी लेना है और इन सभी चीजों को जूस में मिक्स कर देना है और ढक के एक घंटे के लिए साइड में रख देना है। मैंने यहाँ पर बादाम को ब्लांच करके यूज नहीं किया है, आप चाहे तो बादाम को ब्लांच करके ले सकते हैं। और एक घंटे के बाद अब मैं इसमें दही ऐड करूंगी। तो जिस कप से मैं आटा लूंगी उसी कप से सारा माप होगा। ये देखिए, इस कप से मैंने आटा लिया है तो इसी कप से हाफ कप में दही ऐड कर दूंगी। दही ऐड करने के बाद अब मैं इसमें मेपल सिरप ऐड करूंगी। और अगर आप चीनी यूज करना चाहते हैं तो हाफ कप चीनी ले सकते हैं। मैंने मेपल सिरप यूज किया है तो हाफ कप मेपल सिरप लेना है। तो ये देखिए, मेपल सिरप को मैं ऐड कर दूंगी और मेपल सिरप ऐड करने के बाद फिर मैं इसमें हाफ कप ऑलिव ऑयल ऐड करूंगी। मैंने यहाँ पर ऑलिव ऑयल यूज किया है, आप बटर या रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं। आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं, घी में बहुत ही अच्छा फ्रूट केक बनता है। अब इन सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मेपल सिरप तो आसानी से मिक्स हो जाएगा, अगर आप चीनी यूज करेंगे तो चीनी के मेल्ट होने तक मिक्स करना है। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून ब्लैक करंट ऐड करूंगी। इसे स्टार्टिंग में ही जब मैंने ड्राई फ्रूट्स को सोक किया था ऐड करना होता है, मैं उस टाइम भूल गई थी तो मैंने अभी ऐड कर दिया है। फ्रूट केक में ब्लैक करंट का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है तो जरूर ऐड करना, आप स्टार्टिंग में ही सोक कर देना। 1/4 टीस्पून वेनिला एसेंस ऐड करना है। वेनिला एसेंस ऐड करने के बाद एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद वेट मिक्सचर तैयार हो जाएगा। अब इसमें ड्राई मिक्सचर ऐड करना है। तो ड्राई मिक्सचर के लिए मैंने एक स्ट्रेनर ले लिया है, ये देखिए, और इसमें मैं आटा ऐड करूंगी। 1 कप भर के मैंने आटा लिया है। आटा ऐड करने के बाद 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करना है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करना है। बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद सभी चीजों को आटा में मिक्स कर लेना है और फिर छान लेना है। तो ये देखिए, सोडा और बेकिंग पाउडर को मैंने आटा में मिक्स कर लिया है और अब मैं इसको छान लूंगी। आटा को छान लेने के बाद सभी चीजों को मिक्स करना है और ज्यादा विस्क नहीं करना है, बस अच्छी तरह से मिक्स हो जाए इतना ही विस्क करना है। बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरह की होनी चाहिए। बैटर अब तैयार है बेक होने के लिए। तो मैंने केक टिन को ऑयल से ग्रीज कर दिया है और बेस में बटर पेपर लगा दिया है। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो सिर्फ ऑयल से ग्रीज कर सकते हैं। बैटर को मैंने केक टिन में ट्रांसफर कर दिया है और एक बार थपथपा के एडजस्ट कर देना है। अब मैं बैटर के ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और चेरीज को एडजस्ट करूंगी। तो ये देखिए, मैं काजू को एडजस्ट करूंगी, थोड़े से बादाम और थोड़े से चेरी। मैंने यहाँ पर बादाम को ऐसे ही एडजस्ट कर दिया था, आप चाहें तो बादाम को ब्लांच करके फिर बैटर के ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, काजू को मैंने एडजस्ट कर दिया है बैटर के ऊपर, अब चेरीज को भी मैं एडजस्ट करूंगी। चेरीज को एडजस्ट करने के बाद फिर मैं बादाम को एडजस्ट कर दूंगी, देखिए इस तरह से। और बादाम को एडजस्ट करने के बाद केक बिल्कुल बेक होने के लिए तैयार है।
तो मैंने कन्वेक्शन मोड में माइक्रोवेव को 180 डिग्री पे प्रीहीट होने के लिए रख दिया है। 35 से 40 मिनट तक इसको 180 डिग्री टेम्परेचर पे बेक कर लेना है। डिपेंड करता है आपके माइक्रोवेव की कैपेसिटी कितनी है, थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे हो सकता है। तकरीबन 45 मिनट तक मैंने केक को बेक किया था और ये देखिए कितना केक परफेक्टली बेक हुआ है। तो अब मैं इसको ठंडा कर लूंगी, फिर डिमोल्ड करूंगी। तो केक को मैंने 1 घंटे तक ठंडा होने के लिए रख दिया था और अब मैं इसको डिमोल्ड कर रही हूँ। तो ये देखिए आराम से मैं केक को निकाल लूंगी और ये केक देखने में जितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी उतना ही औसम होता है। आपको पता ही नहीं चलेगा ये केक आटा में बना है और इसमें चीनी नहीं है। तो अगर आप सबको मेरी ये फ्रूट केक की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना न भूलें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू रेसिपी डालूं आप सबको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए।